Okay, Sudhir. Okay, Mr. Sudhir, tell me something about yourself. जी सर, माय नेम इज सुधीर कांबोज। आई बिलोंग्स टू यमुनानगर, हरियाणा। आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम आई हैव डन माय बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। फ्रॉम द लास्ट 5 इयर्स आई एम वर्किंग इन लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सुधीर जी, आप कंफर्टेबल हो जाइए, जी सर, कंफर्टेबल हो कोई जाइए। बात नहीं सर। आप जी सर, जी देखो, आप अगर ऐसा इंटरव्यू वहां एक्चुअल वाली देने जाओगे ना, तो बात नहीं जी बनेगी। सर, जी नहीं आप नहीं सर, इंश्योरेंस बेच के आए हो, इट्स ओके, बी कैजुअल, ठीक है? तो आराम से रहिए, बिल्कुल सर, उतना वो बिल्कुल नहीं है। सर। चलो, अब जी बताइए, सर, अब दोबारा बताइए, ठीक है? अब बोलिए, बी टेल मी ठीक समथिंग है सर। मोर। मेरा नाम सुधीर कांबोज है, मैं यमुनानगर, हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। और जी। मैंने अपना ग्रेजुएशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में बीटेक किया है। और मैं पिछले लास्ट 5 इयर्स से LIC ऑफ इंडिया में वर्किंग था। चलिए, जी, LIC में काम कर रहे और हैं, जी जी सर, जी सर, तो 5 साल वहां पे काम करके छोड़ने का क्यों इरादा बना लिया? इतनी बड़ी कंपनी है LIC, छोटी कंपनी थोड़ी है। एक्चुअली सर उसमें ग्रोथ वेन्यूज नहीं थे। अभी लास्ट 5 इयर्स से मैं काम कर रहा था, तो उसमें प्रमोशन के प्रस्पेक्टिव कम थे। आगे भी कोई प्रमोशन का प्रस्पेक्टिव नहीं था उसमें। तो इसी करके मैंने कोशिश किया भी आगे भी मैं एग्जाम दूं और आगे ग्रोथ के लिए जाऊं। प्लस इसमें स्केल टू ऑफिसर में एज ए LIC का एक्सपीरियंस भी काउंट होता था, तो मैंने ये एग्जाम दिया और मैं एग्जाम क्रैक करके आपके सामने बैठा हूँ। ओके, ये अच्छी लाइन थी आपकी। तो चलिए, जी एक चीज बताइए, आपका प्रोफाइल क्या था LIC में? बेसिकली करते क्या थे आप? सर, मेरा काम था LIC में एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर रिक्रूट हुआ था। वहां पे ओके, हमारा काम जो था, हमारी जॉब प्रोफाइल ATM, 3 वर्ड्स होते हैं, ATM, एजेंट्स को रिक्रूट करना, उनको ट्रेन करना और उनको मोटिवेट करना। ये तीन हमारे मेन वर्क थे। हमारा मेनली जो वर्क होता था फील्ड वर्क होता था, तो हमें फील्ड से एजेंट्स रिक्रूट करने होते थे, उनको ट्रेनिंग करानी होती थी आप और ढूंढते उनको कैसे थे इंश्योरेंस। एजेंट? ढूंढते कैसे थे? मेरे पास बाइक थी सर, मैंने फील्ड में जाने के लिए बाइक रखी हुई थी, क्योंकि ओके, विलेजेस में जाना पड़ता था मेरे को, तो इसी करके तो मैंने वहां बाइक जाके नहीं आप लाया। जो है अपने ढूंढते थे हैं पर्सनली? हाँ सर, जैसे शॉप्स पे या कहीं भी फैक्ट्रीज के बाहर, या लंच टाइम हुआ तो जैसे एम्प्लॉयज बाहर निकलते हैं लंच टाइम में, या शाम को छुट्टी होती उनको है एजेंट बना या अलग लेते अलग हो? कंपनीज में। हाँ सर, उनको मैं LIC के एजेंट्स के बेनिफिट बताता था, कैसे क्या रहता है, इसमें कमीशन मिलती है। जी, क्योंकि बड़ा टफ एक काम तरीके है, से कोल्ड कॉलिंग ही होती थी। जी बड़ा सर, टफ काम है। बिल्कुल। ये आपने 5 साल हाँ किया सर, है? बिल्कुल। हाँ सर, मैंने 5 साल किया। जी सर, ओके, जी नाइस। सर, तो कौन सा प्रोडक्ट बेचते थे आप वहां पे? मैक्सिमम हम जो है एंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसीज बेचते थे, जिसमें आपको एक फिक्स टाइम तक प्रीमियम पे करना पड़ता है, उसके बाद आपको मेच्योरिटी हो जाती है। बीच में आपको कोई रिटर्न नहीं रहता है। जैसे मनी बैक पॉलिसीज भी होती है हमारी कंपनीज की, तो उसमें मनी बैक में आता है, आपको हर 5 इयर्स के बाद कुछ ना कुछ पैसा वापस मिल जाता है। और मैक्सिमम जो LIC के जो ट्रेडिशनल प्लान्स हैं उनकी तरफ लोग जा रहे थे, जैसे जीवन आनंद है, जीवन लाभ है, एंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसीज है, जीवन लक्ष्य है, ये सारी हमारी एंडोमेंट प्लान्स थे। ओके, तो इन प्लांस के आपकी लिए हमने टारगेट बेस्ड ज्यादा जॉब थी अप्रोच ना, करा था। टारगेट था आपका जी, राइट सर, राइट सर। सैलरी का 5 टाइम्स मेरे को पोस्ट करके देना था तुमको। सैलरी का? 5 टाइम्स, 5 टाइम्स इतना आपको क्या करके देना है, कमा के देना प्रीमियम है? करके देना था इंश्योरेंस। अच्छा, जी, जितनी उनको आपकी इंश्योरेंस सैलरी कंपनियों, है उसका 5 गुना आपको प्रीमियम कमा के देना है। अगर आप नहीं जी दोगे जी तो जैसे मेरे को 5 लाख रुपए सैलरी मिल रही है साल की, तो मेरे को 25 लाख का प्रीमियम देना है। प्रीमियम, हाँ, दैट्स अ बिग मनी है। जी जी तो अगर जी जो जी बंदा जी नहीं करके देता तो उसका क्या होता? उसको एक दो दो साल तो देखते हैं कोई, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एकदम तो एक्शन नहीं लिया है, तो उसमें थोड़ा डिक्रीमेंट लगाते हैं, इंक्रीमेंट नहीं देते, या कोई कट लगाते हैं जॉब में, कट्स लगते हैं। उसके बाद अगर आप नहीं करते तो उसमें कोस्ट का उन्होंने क्राइटेरिया बना रखा, तो टर्मिनेशन का भी क्लॉज रहता है कि आपको जॉब से निकाला भी जा सकता है। जी ओके, चलो, ये भी सही है। तो चलिए, एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं पूछने वाला हूँ, ठीक है? इंश्योरेंस को लेके ज्यादा जी सर, कॉम्प्लिकेट नहीं जी करेंगे, ठीक है? क्योंकि मुझे लगता है कि इंश्योरेंस के बारे में आपको मेरे से बहुत ज्यादा नॉलेज होने वाली है। तो एक मेरे को चीज नहीं नहीं सर, बताइए, मान लीजिए मैंने इंश्योरेंस लिया आपसे, ठीक है? मैं खुश जी नहीं जी हूँ, सर, मैंने प्रोडक्ट लिया, जी आपने मिस सेल कर दिया, तो मैं क्या करूंगा? ओके सर, मेरे पास क्या सोल्यूशन है? आपने जो बोला था, सर मेरे साथ ऐसे पर्सनली जी एक्चुअली हुआ है कि हमने जी प्रोडक्ट सर, जी खरीदा और मिस सेल कर गया, मतलब ओके, एजेंट, आपने मिस एजेंट सेलिंग हो हायर गया, बिल्कुल किया, आप भी जैसे आपने बताया आपको प्रीमियम करके बिल्कुल देना है, सर, तो बहुत मिस जी सेलिंग जी होती है जी इंश्योरेंस। मेरे साथ हो गई, मैं मिस सेलिंग होती है, राइट सर, क्या बिल्कुल करूंगा? सर। अब क्या करूंगा बताओ?
सोल्यूशन क्या है तो उसके लिए एक्चुअली क्या होता है, एजेंट्स नहीं बताते कि कूलिंग पीरियड आई है, जो इंश्योरेंस सेक्टर है, जैसे कितना है हमारा कूलिंग बैंकिंग सेक्टर पीरियड, आरबीआई के अंडर कितना कूलिंग आता है, पीरियड कितना कूलिंग पीरियड 15 डेज का होता है सर, 15 डेज का कूलिंग पीरियड ये मिलता है। हेल्थ में भी है? हाँ सर, ये सब प्लान्स में होता है, पॉलिसी डिस्पैच होने के बाद जब आपको रिसीव होती है, उसके 15 डेज के अंदर आप उस पॉलिसी को कूलिंग ऑफ करा सकते हैं, आपका सारा प्रीमियम आपको वापस कर दिया जाएगा, इंश्योरेंस प्रीमियम जो भी है आपको रिटर्न कर दिया जाएगा, कूलिंग ऑफ पीरियड देते हैं हम उसको, ये कूलिंग ऑफ ओके पीरियड ओके वैलिड रहेगा। जी सर, ओके। अभी रिसेंटली ने LIC ने अभी स्टेक खरीदा IDBI में, राइट? राइट सर, राइट सर। एक मेरे को बैंक का इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट समझाओ। एक जो इंश्योरेंस होती है ग्रुप पॉलिसी, एक ग्रुप राइट पॉलिसी सर होती है, एक रिटेल प्लान्स होते हैं, जी, ठीक है। रिटेल प्लान ग्रुप होते हैं, बिल्कुल पॉलिसी सस्ती होती है राइट ना, सर, राइट सर और जी इंडिविजुअल सर, रिटेल प्लान्स नॉर्मली 60-70% कॉस्ट ज्यादा होता है। रीजन क्या कॉस्ट है इसका? ज्यादा, मुझे राइट रीजन सर, समझा दो, बस इतना समझाओ पहले आज, रीजन समझाओ। बिल्कुल सर। एक्चुअली ग्रुप पॉलिसीज में हम जो है एवरेज एज निकाल के, उस पर्सन की एवरेज सारे ग्रुप्स में, जितने मान लो हम एक इंडस्ट्री में, हमने एक ग्रुप इंश्योरेंस करना है, उस इंडस्ट्री में अगर 100 लोग काम कर रहे हैं, उन लोगों की एवरेज एज निकाल के हम उसका प्रीमियम डिसाइड करते हैं। तो एक तो हमें 100 लोगों का इंश्योरेंस करने को मिल रहा है, तो उसके कंपैरेटिवली क्या है, कंपनी भी रेट ऑफ डिफरेंस जो है नो, एक रिटेल कस्टमर की बजाय उसको रेट ऑफ जो प्रीमियम रहेगा हेलो हेलो हेलो, जी सर, जी सर, जी सर, आपका जी ना सर, हाँ इंटरनेट जी थोड़ा सर, यस वीक सर, यस था, सर, दोबारा बता दीजिए। हाँ एक्चुअली सर मेरे पे कॉल आ गया बीच में ना, कॉल इसी हाँ करके कोई थोड़ा नहीं, सा कोई बताइए डिस्कनेक्ट हो बताइए गया जी। बताइए बताइए। जी सर, तो 100 पीपल्स का हमको इंश्योरेंस कर रहे हैं, तो उनके लिए रेट ऑफ प्राइसिंग डिफरेंस रहेगा कोई एक सिंगल रिटेल कस्टमर के कंपैरिजन में। दूसरा, ग्रुप पॉलिसीज में हम एक एवरेज एज कैलकुलेट करते हैं सारे ग्रुप की, अगर 100 पीपल्स है उनकी एक एवरेज एज कैलकुलेट करेंगे, उसी के बेसिस पे उनको इंश्योरेंस का प्रीमियम दिया जाएगा। एक रिटेल कस्टमर देखिए तो ले, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैं रिसेंटली, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जी भी है। सर, हेल्थ पॉलिसी जी सर, में जी सर, जो प्लान 9,000 रुपीज का था, 5 लाख रुपए का बिल्कुल कवर, सर, ठीक है, 9 लाख रुपीज जी का, सर, राइट, 9,000 रुपीज का, सॉरी, 9,000 रुपीज का, 5 लाख का कवर था, और ग्रुप में मेरे को वही 4,800 रुपये का सर। पड़ा, इतना कैप कैसे हो गया, ये समझाओ। एक्चुअली सर, ग्रुप में 100 पीपल्स का हम इंश्योरेंस कर रहे हैं, एक हमने, आपको अपना एग्जांपल से बताता हूँ, मैं एलआईसी में जॉब करता हूँ, तो एलआईसी मेरे को 50 लाख का ग्रुप इंश्योरेंस मेडिक्लेम देती है, नेशनल इंश्योरेंस के थ्रू उन्होंने हमारा टाई अप किया हुआ है, हमें ओके 50 लाख का मेडिक्लेम मिलता है। उसमें क्या है कि फर्स्ट ईयर से ही मैटरनिटी कवर रहती है, जैसे अगर मैं मैरिड हूँ, मेरे कल को मेरी वाइफ के पास बच्चा होता है, तो वो फर्स्ट डे से मेरी मैटरनिटी कवर होगी, जबकि रिटेल प्लान्स में वो चीज नहीं कवर करते, वो ये चीज, ये मैटरनिटी जो इस प्लान्स में एलआईसी ने कवर कराई है, ये ग्रुप प्राइसिंग की वजह से कराई, क्योंकि एलआईसी के पास पूरे ऑल ओवर इंडिया में 1,25,000 एम्प्लॉयज हैं, उन सारे एम्प्लॉयज का जो भी प्रीमियम है वो सब नेशनल इंश्योरेंस के पास जा रहा है, तो उसने उसे टर्म्स एंड कंडीशंस कंपेयर करके कि इतने एम्प्लॉयज का आप इंश्योरेंस कर रहे हो, तो उससे नेगोशिएशन किया। तो वो नेशनल इंश्योरेंस डायरेक्ट रिटेल कस्टमर को कभी नहीं अवेलेबल कराता कि मैटरनिटी आप फर्स्ट ईयर में अवेलेबल कर लीजिए, वो 3 से 4 ईयर्स की कंटिन्यू अगर पॉलिसी चलती है, उसके बाद ही आप मैटरनिटी बेनिफिट ले सकते हो उस पॉलिसी में। ओके नाइस। तो चलिए अभी जी सर, इंश्योरेंस से बाहर निकलते हैं, ठीक है। बैंक में जी राइट काम करना है। सर, अब मेरे को एक चीज बताओ, बिल्कुल CRR क्या होता है ये बता दो। बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है ना बैंकिंग का, क्या, पहला पहला जी बिल्कुल CRR वो क्या है, कितने बिल्कुल परसेंट है सर, पहले ये बताओ। सीआरआर सर 18% है, CRR एसएलआर 18, सॉरी सर, सीआरआर 4% सर, फेल हो एक्चुअली मेरे भी इस जाओगे, टाइम सच्ची यार में बता रहा हूं। नहीं, सर एक अभी बिल्कुल माइंड से ब्लैंक हो गया, ये माइंड से इस टाइम ब्लैंक हो गया एकदम, सीआरआर एसएलआर 18% है और सीआरआर 4% ही याद आ रहा है मेरे पक्का को, जा चार रहा है, परसेंट ही याद चेक आ कर रहा लूं, है सर। पक्का हाँ जा सर, रहा आप हूं, भी एक बार देख देख लीजिए, लो, हाँ सर पक्का 4 ही लग रहा है, क्योंकि इंटरव्यू एस पैनल एल आर वाला भी एटीन ऑन द स्पॉट ही चेक करेगा, मुझे पता है। हाँ सर, चलो हाँ, एक और मेरे को चीज बताओ, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। जी सर, मान लो इन्फ्लेशन बढ़ गई है, मोदी जी की सत्ता को हाँ खतरा सर, हो गया, मोदी जी गए RBI के पास, इन्फ्लेशन घटाओ, कैसे घटेगी? आरबीआई क्या है, रेपो रेट घटाएगी, रेपो रेट घटाने से क्या होगा? मार्केट में जो लोन है वो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेगा, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिलेगा तो मार्केट में मनी का फ्लो बढ़ेगा,
मनी का हम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने से लोग अधिक से अधिक बैंक से पैसा लेंगे, तो इससे क्या मनी की सप्लाई मार्केट में बढ़ेगी, मार्केट में मनी की सप्लाई बढ़ेगी तो इससे जो है मार्केट में अधिक पैसा आएगा और इन्फ्लेशन। चलो ठीक है, एक सवाल काट रहा हूँ आपको बीच में, अभी क्या हो रहा है इंडिया में, एक देखो एक बड़ा बहुत बड़ा बैंकिंग क्राइसिस चल रहा है, पता आपको क्राइसिस किस वजह से है कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है ना इंडिया में, जी सर जी, वो जब बैंक का पैसा मारते हैं तो आईबीसी लगता है, लंबे लंबे प्रोसेस हैं, अनिल धीरू भाई अंबानी ग्रुप, बड़े बड़े ग्रुप्स ने पैसा दबा लिया मोटा, वो देता नहीं है वापस और बैंक का दिवालिया निकल रहा है बेसिकली। जबकि आपके जैसे और मेरे जैसे लोग कार लोन पे लेते हैं, चार किस्त नहीं देंगे तो कार उठा के ले जाएंगे, कार उठा के लोन लिया है 6 महीने किस्त नहीं दी, 7वें महीने आपको घर से निकाल देंगे। राइट सर, राइट तो सर। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो कि जो अगर बैंकिंग सिस्टम को सुधारना है तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए इंडिया में? या तो हमारा भी कर्जा माफ करो ना, उनका बड़े बड़े लोगों का कर रहे हो तो हमारा भी कर दो। देखो इंडिया में किसानों का कर्जा माफ होता है, बड़े बिजनेसमैन का होता है, लेकिन मिडिल क्लास का नहीं होता, आपका मिडिल क्लास का हमारा नहीं होता, होना चाहिए नहीं? बिल्कुल होना चाहिए नहीं, होता नहीं है। चलो ये आपके माइंड में क्या है, बैंक में नहीं आते नहीं, क्या आप क्या कहते हो कि आपके हिसाब से ये जो लोन की माफी चल रही है या जो भी प्रोसेसेस चल रहे हैं उससे बैंक को नुकसान है? प्राइवेट बैंक नहीं करता ये सर, प्राइवेट बैंक सारे पैसे वसूलता है, आपको पता है, नहीं सर प्राइवेट बैंक नहीं पैसे छोड़ता है। तो आपके हिसाब से अगर बैंकों को को सुधारना है, उनकी फाइनेंशियल सिस्टम को सुधारना है तो कैसे सुधार सकते हैं बताइए। मान लीजिए आप ब्रांच मैनेजर हैं, आप आरआरबी में एक में ब्रांच मैनेजर हैं, आप पूरे इंडिया को छोड़िए, आप जी। किसी बंदे को लोन देते हुए, आपको अथॉरिटी आप लोन देने की, आप क्या देखोगे? बिल्कुल सर, आप क्या देखोगे? मैं किसी पर्सन को लोन दूंगा, सबसे पहले तो उसकी पे करने की फाइनेंशियल स्ट्रेंथिंग देखूंगा, जैसे अगर वो एम्प्लॉयड है, अगर वो कहीं कंपनी में जॉब कर रहा है तो उसका फॉर्म 16 देखूंगा, इनकम टैक्स की रिटर्न्स देखूंगा, पिछले 3 साल की रिटर्न्स क्या है, और वो उसको कल को लोन को पे भी कर सकेगा या किस पर्पज के लिए वो लोन लेना चाह रहा है। मैं बिजनेसमैन की बात कर रहा हूँ, बिजनेसमैन की बात कर रहे हैं, बिजनेसमैन का बताइए जी सर, अगर वो बिजनेसमैन है तो उसका वो क्या प्रोजेक्ट लगाना चाह रहा है, उसकी क्या वायबिलिटी है, कल को अगर कल को प्रोजेक्ट चलेगा भी नहीं चलेगा, वो प्रोजेक्ट फेल हो जाता है, मतलब आप उस पर सट्टा लगा रहे हो, कल को प्रोजेक्ट फेल हो, पास हो या चले ना चले, तो प्रोजेक्ट फेल हो गया तो क्या करोगे? तो बैंक का पैसा एक्चुअली सर क्या है, हम हाँ बैंक का पैसा क्या, नहीं तो एक्चुअली क्या, जितना वो अमाउंट मांग रहा है उसमें से हम उसको पहले कहेंगे 25-30% आप इनिशियली इन्वेस्ट करो, आप चलो अपना कर दिया, प्लांट सेटअप मान लो करो उसने कर जो, दिया, उसने प्लांट 75% बैंक का पैसा ले लिया, प्लांट नहीं जी चला, सर प्लांट की सेल्वेशन वैल्यू है 20%, बैंक का तो पैसा 50% गया और बाकी उसका तो जी कुछ सर भी नहीं गया, उसका जितना जाना था वो उसने निकाल लिया, वर्किंग कैपिटल निकाल के निकाल भाग लिया गया, सर, मशीनें बेच दी, अभी बैंक का तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। अब आप गलत हो, करो अपने आप को सही, कैसे? तो एक्चुअली सर बैंकिंग में बैंकिंग सेक्टर क्या है, जो हमारे बैंक्स हैं, हम जो बैंक्स में काम कर रहे हैं कमर्शियल बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स हमारा काम क्या है, प्रॉफिट कमाना, प्रॉफिट कमाने के लिए हमें रिस्क भी लेना पड़ेगा, अब हमें लोन तो देना बहुत है बड़ा रिस्क है बिजनेसमैन को, ना, लोन दे ये बहुत बड़ा रिस्क है ना, जी सर, तो बहुत बड़ा रिस्क है, जी सर रिस्क नया प्रोजेक्ट रिस्क है, है, बिल्कुल नया प्रोजेक्ट बिल्कुल है, सर, उसके लिए हम उसकी वैल्यूएशन कराएंगे प्रॉपर्टी की, और एडवोकेट से उसकी प्रॉपर्टी को वेरीफाई भी कराएंगे, कोई उसके ऊपर कोई लीगल कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है, या आर्किटेक्ट से वैल्यूएशन करा सकते हैं अच्छा उसकी प्रॉपर्टीज की, या मॉर्गेज लोगे है ना, मॉर्गेज लेंगे, बिल्कुल सर बिल्कुल सर, मॉर्गेज मॉर्गेज लेंगे लोगे, उसकी वैल्यू, जी सर दिस इज बेटर यार, ये सुनना चाहता था। चलो एक आखिरी क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे, ये बहुत बार इंटरव्यूज में पूछा जाता है और इसका आंसर मुझे पता है। एक बिजनेसमैन बैलेंस शीट लेकर आया आपके पास अपनी 3 साल की, ठीक है, जी सर जी, अब उस बैलेंस शीट का सबसे सच्चा पार्ट कौन सा है? बैलेंस शीट पता है, सारी बैलेंस शीट जो है ना जेन्युइन नहीं होती, पता आपको, बिल्कुल एसेट सर कुछ बिल्कुल भी लिखा है, कुछ भी लिख देते हैं, ठीक है, बैलेंस शीट से आपको पता लिख है, देते हैं, बड़ी बड़ी बिल्कुल सर कंपनियों की बैलेंस शीट रिग्ड होती है, तो बैलेंस बिल्कुल शीट सर, का सबसे सच्चा पार्ट कौन सा है, आप किस पार्ट पे यकीन करोगे ये बताओ, सबसे सच्चा पार्ट कौन सा है? ये अगर आपको पता है मतलब आपको बड़ी नॉलेज है बैंकिंग की, बैलेंस शीट में सबसे ज्यादा यकीन करने वाली कौन सी चीज हो सकती है, मतलब आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से, वैसे मैं सर कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, मैं इंजीनियरिंग से हाँ, बैकग्राउंड रखता आपके हूँ, पास लेकिन बैलेंस शीट आई जहां तक है, मेरा है आइडिया, आपको बैलेंस शीट मेरे सबमिट पास करी बैलेंस शीट है, आई है, तो मेरे को जहां तक लगता है कि उसकी ड्राइंग्स देख के भी वो वहां से कितना ड्रॉ कर रहा है ड्राइंग्स उसकी, कि वो वहां से वो अपनी
प्रोप्राइटरशिप से कितनी ड्रॉइंग्स कर रहा है, कितना पैसा वहां से बाहर निकाल रहा है वो, किस वैल्यू में निकाल रहा है, मान लो एसेट और लाइबिलिटीज है उसकी, और वहां से इतनी अगर उसकी लाइबिलिटी ज्यादा है, उसके बावजूद वो ड्राइंग्स कितनी कर रहा है, उसमें से अपनी ड्राइंग्स कितनी निकाल रहा है, जो पैसा उसमें से अपनी फॉर्म्स में जो उसने लगा रखा है, कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है, या जो भी प्रॉफिट कमा रहा है वो उसमें से कितनी ड्राइंग्स कर रहा है। अगर वो ड्राइंग्स ज्यादा कर रहा है, लाइबिलिटी उसकी ज्यादा है, और उसके बावजूद भी वो ड्राइंग्स ज्यादा ले रहा है, वो निकाल रहा है उसमें से पैसा फॉर्म्स में, तो वो किस पर्पज के लिए निकाल रहा है, कहीं वो तो नहीं यूटिलाइज कर रहा है। देखो काफी क्लोज हो, जितना मर्जी को जी सर बिजनेसमैन हो, वो जी सर जो बैंक बैलेंस है ना अपना साल की स्टार्टिंग में और एंड में, वो सच लिखता है, पता है आपको। जितना मर्जी को ओके बड़ा ओके बिजनेसमैन बिजनेस होता है, वो साल की स्टार्टिंग में मैन और साल के एंड में वो अपना बैंक ओके बैलेंस बिल्कुल ठीक लिखता है, उसको सेट करता है, पता है, मार्च के मंथ में, फेब्रुवरी में उसको सेट करता है वो, और पैसे डालता है और निकालता है, ठीक है। तो निकालता है। बेसिकली उसकी जो बैंक स्टेटमेंट है ना, जो पिछले 2-3 साल की बैंक जी सर, स्टेटमेंट है, 2-3 साल के बैंक स्टेटमेंट है। वो आप निकालोगे और मार्च की जगह आप दिसंबर का उसका चेक करोगे कि दिसंबर में इसकी कैश ओके, एडजस्टमेंट पोजीशन क्या है, क्योंकि मार्च तक तो उसने सारा एडजस्टमेंट मार लेना है। हाँ, कर देगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल फेब मार्च तक तो अपनी एडजस्टमेंट करके बैठा होगा वो, नवंबर दिसंबर में बीच का कोई भी पीरियड है, इंस्टेड बीच ऑफ का कि भी आप ठीक है लास्ट सर। का पीरियड पकड़ो, आप बीच के साथ कोई पीरियड पकड़ लो, या एवरेज निकाल लो कि मैं भैया मेरे हिसाब से इसका जो कैश है वो मंथ एंड पे जितना भी है वो 12 मंथ एवरेज लगा निकाल लिया मैंने, दैट दैट दैट्स व्हाट जी माय माय से इज। ओके, चलिए, ओके, बिल्कुल बैंकिंग का भी आपका नॉलेज अच्छा है। बाकी सर, बेसिकली आपकी आपकी हेल्प है सर, आपके कोर्सेज ने हाँ काफी है, हेल्प करी सर, एग्जाम थैंक क्रैक यू करने के लिए। जी सर, तो बाकी एक थैंक चीज और पूछना चाहता हूँ, आप आपका लोकेशन क्या है अभी, मैं तो आपका यू। अभी एग्जैक्ट करंट लोकेशन। मैं एक्चुअली अंबाला कैंट में रह रहा हूँ, मैं अभी अंबाला में रह रहा हूँ। मेरी वाइफ जो है इंडिया पोस्ट में वर्किंग है, वो कहाँ और पे? अच्छा, मैंने LIC अभी सितंबर में से पहले सितंबर में मैंने रिजाइन दे दिया था LIC से। अभी सितंबर आप अगस्त में मैंने एक्चुअली रिजाइन दे दिया था जी। तब से क्या कर रहे हो आप? तब से मैं स्केल 2 की प्रिपरेशन ही कर रहा था सर। अच्छा, एक्चुअली तब मैं से प्रिपरेशन कर रहे हो, रेगुलर, हाँ, अगस्त से मैं रेगुलर लग के मैं 7 से 8 घंटे मैं रोज कंटिन्यूअसली पढ़ते हो प्रिपरेशन कर इतना? रहा था सर। जी सर, मैं डेली कर रहा था इतनी कोशिश कर, क्योंकि मैं चाह रहा था कि हर हाल में एग्जाम क्लियर हो। मैं मैरिड हूँ, 5 साल मेरी शादी को हो चुके हैं, और मेरा बेटा अच्छा, भी है, 2 साल का मेरा बेटा है। जी अरे सर वाह, नाइस। तो जी वाइफ सर, कहाँ पे पोस्टेड है? यही अंबाला में ही पोस्टिंग है सर, अंबाला में ही सर्कल ऑफिस होता है पोस्ट ऑफिस का, ओके। तो नहीं, उसका सर्कल अगर ऑफिस ही पोस्टेड है। आपको पोस्टिंग जो है हरियाणा से बाहर की मिल गई तो क्या करोगे? तो अभी तो करना ही पड़ेगा सर जॉब के लिए, तो देखें तो वाइफ की क्या सर्कल ऑफिस है, सर्कल टू सर्कल ट्रांसफर हो सकती है उनकी, अच्छा, उनकी हो तो सकती है। जैसे अभी, हाँ सर हो सकती है उनकी, लेकिन जैसे पूरे हरियाणा का सर्कल ऑफिस अंबाला में, पूरे पंजाब का चंडीगढ़ में है पोस्ट ऑफिस का सर्कल ऑफिस, तो ऐसे ही पूरे राजस्थान का अगर जयपुर में होगा तो मतलब सर्कल सी सर्कल टू सर्कल ही होगी उनकी ट्रांसफर, ओके, तो जनरल यहाँ पोस्ट से वो ऑफिस में नहीं हो चंडीगढ़ सकती। या जयपुर में जा सकते हैं वो, राइट? जी, सर वो कैपिटल सिटी में ही जा सकते हैं एक तरीके से, मतलब जो बट है एनीवेज, उसमें ही मतलब होते हैं ठीक सर्कल है, ऑफिस में। मतलब आप तो कैपिटल सिटी में मोस्ट प्रोबेबली नहीं जाओगे, RRB है, नहीं जाऊंगा बिल्कुल, हाँ सर RRB है। वो तो है, बट एनीवेज, चलो अभी रैप अप करते हैं, ठीक है? अभी रैप अप में जी क्या सर है रैक्स कि सर, एक सेकेंड, दो चीजें हैं। एक तो एनालिसिस करके मैं आपको बता देता हूँ। सी, पहली बार तो यू आर वेरी अटेंट, काफी आप सीरियसनेस के साथ, अटेंशन के साथ आप आंसर कर रहे हो, मुझे अच्छा लगा। एंड मोस्ट प्रोबेबली आप जो एक्चुअल इंटरव्यू दोगे वहां पे भी आप वैसे ही करोगे, एंड दैट विल हेल्प। बिल्कुल सर जी सर, एंड जनरली RRBs में जो प्राइवेट बैंक्स हैं और LIC से जो लोग आते हैं मार्केटिंग वाले, दे लाइक जी देम, सर उनको पर्सनली पसंद करते हैं, क्योंकि करिए आपने मेहनत ऑलरेडी बड़ी करी हुई है और उनको लगता है कि बिल्कुल आप सर, वो आप अच्छे से कर सकते हो। एंड यू आर अ मैरिड जी सर मैन, यू आर अ स्टेबल मैन, और आपके पास आंसर अच्छा था कि मैं ठीक है, अब मुझे कहीं भी भेज दो, मैं चले जाऊंगा। चाहे ये पूरी चले जाऊँ, इंटरव्यू का बिल्कुल छोटा सा पार्ट है, लेकिन बहुत मैटर करता है। आप एक्चुअली जो कर बिल्कुल रहे सर थे आपको उसके बिल्कुल बारे में पता है, जी सर और आप बिल्कुल इस एग्जाम के लिए 2-3 महीने से घर बैठे हो, तैयारी कर रहे हो, जो आपकी सीरियसनेस दिखाता है कि आपको अगर मिल गया तो 100% करोगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। हाँ, बिल्कुल सर बिल्कुल, मैं कोई ऑप्शन नहीं है, मैं यही ज्वाइन कर रहा हूँ। दिस इज रियली अमेजिंग। और मेरे हिसाब से इतनी मेहनत करने के बाद अगर आपने पेपर निकाला है तो 100% आई एम श्योर कि आपका निकल जाएगा, अच्छे से निकल जाएगा। तो आई एम प्रिटी जी सर, श्योर, मैं एक्चुअली एग्जाम देके ही मैं कॉन्फिडेंट था, एग्जाम देके ही मैं आई एम एग्जाम प्रिटी सेंटर में ही श्योर मैंने बैठ के कि कह दिया क्लियर आपका हो जाएगा। जी सर बाकी अभी 2 मिनट, 3 मिनट मैं अपने लिए लूंगा, 2-3 मिनट। आप ये बताइए कि आपने जी सर तैयारी करी जी कैसे, डिड ऑनेस्टली बताइएगा,
क्या हमारे नहीं कोर्सेज नहीं या सर बिल्कुल वीडियोस या नोट्स ने आपकी हेल्प करी या नहीं करी, एंड जस्ट लेट अस नो सो दैट यू बिल्कुल नो सर हमें, मुझे भी फीडबैक मिले और हमारी टीम को भी बिल्कुल फीडबैक सर मिले, तो ये आप बिल्कुल थोड़ा सर सा बता दीजिए. बिल्कुल या सर अभी बताइए आपकी बात. नहीं सर एक्चुअली जी सर, मैंने आपका कोर्स लिया था, मैंने फाइनेंशियल अवेयरनेस का आपका सीरीज स्पेशली कोर्स लिया था फाइनेंशियल अवेयरनेस का। तो उसमें हमने सर्कुलर्स की सारी वीडियोस, आपकी जितनी सर्कुलर्स थे मंथली, हम पीडीएफ सब कुछ कवर करते, बैंकिंग अवेयरनेस भी कवर करते थे। तो मैं बाकी ये कहूंगा आपके कोर्स के अलावा भी मैं 3-4 सोर्सेज से अलग से भी कर रहा था मैं। जैसे बता दीजिए मैं एक्चुअली सोर्सेज अन कोई ना. अकेडमी, जी, अन अकेडमी हाँ अन अकेडमी का कोई मैंने किया हुआ था, कोर्सेज ज्वाइन कर ठीक है रखा है। तो अन ठीक है अकेडमी पे कोई थे, नहीं. और उसके यूट्यूब से भी, जैसे एक दो है, एक बैंकिंग सीखो ग्रुप था, वो स्केल टू ऑफिसर ही है, उसने भी जी कुछ जी शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस बना के डाली हुई थी बैंकिंग ठीक है अवेयरनेस से ठीक रिलेटेड। है तो ठीक उन है. वीडियोस से भी कुछ क्वेश्चंस हाँ की हेल्प नॉलेज मिली जहां मेरे से को। भी मिले ले लेनी जी चाहिए. बिल्कुल सर, मैं जी एक्चुअली मैं क्या, हाँ मेरा मैथ और रीजनिंग की बजाय मेरा जो इंटरेस्ट है बैंकिंग में टॉपिक्स, मेरी करंट अफेयर मेरा फेवरेट है। अरे तो अच्छी, मैं बहुत दा अच्छी बात है. हिंदू जब आप करंट न्यूज, अफेयर पढ़ते हो तो एंडलेस सोर्सेस से आप पढ़ते हो, बहुत अच्छी बिल्कुल बात है. सर दैट्स बिल्कुल, रियली मेरा नाइस, इंटरेस्ट काफी कांग्रेट्स. अच्छा है। मैं बैंकिंग और मैं इन चीजों में इंटरेस्ट लेता हूँ। मैं द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, मैं पिछले 3 से 4 महीने से, पांच अच्छा महीने से रेगुलर मैं द हिंदू पढ़ता हूँ नाइस जी। तो नाइस नाइस, मैं अभी इस तरह से इंटरव्यू जारी करी है. इन्फॉर्मेशन का एडिटर। हाँ सर, मैं बाकी कोई आपने बुक बाकी ये वगैरह तो था, नहीं खरीदी ना? बुक नहीं खरीदी कोई? नहीं बुक नहीं किया एक्चुअली, था कोविड का हंड्रेड टाइम परसेंट था, तो वैसे ऑनलाइन. भी हाँ सर ऑनलाइन अकेडमी, अन अकेडमी के थ्रू मैं ज्यादा करता था मैथ रीजनिंग की प्रैक्टिस, और ये ऐसे अच्छा अन अकेडमी पे ओके ओके, वो एजुकेटर्स भी सही वगैरह हैं है तो घर ठीक पे है. ही। चलिए जी जी सर, उसके थ्रू मैंने करता था। और बाकी आपके कोर्सेज तो उसके सर्कुलर्स मैंने काफी पढ़े, काफी उससे काफी हेल्प मिली थोड़ा ये। जी सर चलिए, अच्छा लगा आपसे बात करके सर. ठीक है, जी मोस्ट सर जी प्रोबली अभी सर आपका जी एग्जाम निकलेगा, एंड मोस्ट प्रोबली जो है आप पास होने के बाद भी मुझे कॉल करोगे, एंड बिल्कुल सर मोस्ट बिल्कुल, मैं तो लुधियाना आऊंगा प्रोबली. आपको मिठाई खिलाने सर अरे बिल्कुल। चलिए, थैंक यू थैंक यू. जी चलिए जी सर आज के बिल्कुल लिए बस इतना ही करते हैं, ठीक है? अभी आपको जो है नोट्स मैं बना रहा हूँ, मैं शेयर करूंगा. वैसे कर ही जी दिए होंगे सर मैम ने, कल को मैं करवाता हूँ हाँ आप सर, मैं उसको. आगे इंटरव्यू प्रिपरेशन ग्रुप मैंने कर लिया, उसमें वो ज्वाइन कर लिया, आपको, उसमें हाँ पीडीएफ्स ऐड जो भी हैं आपको वो कर मैंने दिया करा हुआ है, सारा। तो उसको एक जी बार सर कर पढ़ लिया सर लीजिए, एक्चुअली। एंड मोस्ट प्रोबेबली अभी जी सर नेक्स्ट मंथ फर्स्ट वीक में आपकी इंटरव्यू होगी, एंड मोस्ट प्रोबली आप जी निकाल भी सर लोगे. ठीक है, तो चलिए थैंक यू बेस्ट सर, ऑफ लक. ठीक है, थैंक दैट्स यू ऑल. सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू या सर, थैंक यू, गुड डे, थैंक गुड डे सर. थैंक यू, यू, ओके, थैंक यू, बाय सर।